आपको फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 17 फरवरी के शुरुवतान की रिकॉर्डिंग। दो प्रकार है किसी को आकर्षण करने के, या तो आप अपने फिजिकल फीचर्स से, जैसे आप दिखते हो, आपके रंग रूप, दौलत धन, आपकी पोस्ट पोजीशन से आप औरों को अट्रैक्ट कर सकते हो, या तो फिर आपके अंदर कितनी शांति की शक्ति है। दोनों शक्तियां हैं, एक है टेम्पररी और दूसरी है परमानेंट। तो आपके पास में शांति की जो शक्ति है, अगर वो आपके पास में सच्ची में है, तो आप उससे और आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्माएं ऑटोमेटिकली आपकी शांति को फील कर पाएंगी। तो देखिए, आज परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या है यहाँ पर। आज के वरदान परमात्मा कहते हैं कि शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भवा। क्या देने वाले? शांति देने वाले। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। अब ये तीर कोई फिजिकल तीर नहीं है, आप अपने थॉट से जिसको भी सोचे उसको आप शांति भेज सकते हैं। वाइब्रेशंस ऑफ शांति, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके थॉट्स जो है, संकल्प है, वो प्रकाश के जैसे जा रहे हैं और उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं शांति के। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। यानी का अर्थ क्या है, कोई जगह हो, कोई सिटी हो जहां पे अशांति फैली हो, जैसे आज अगर आप देखें, आप मेडिटेशन कर करते हैं तो आपके अंदर अगर शांति की शक्ति है, तो आप टर्की जैसे कंट्री में, तुर्की में भी आप शांति के वाइब्रेशंस भेज सकते हैं वहां की आत्माओं को। पॉसिबल है थॉट वाइब्रेशन से। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, उसमें भी पानी निकाल सकते हो। कड़ा पहाड़ मतलब कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर बहुत ही कले कलेश हो, जहां पर बहुत ही उपद्रव हो रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं कि वहां पर भी आप पानी निकाल सकते हो, मतलब कि वहां पर भी आप शांति का दान कर सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ। कि जब आप कुछ सोच रहे हो तो आपके संकल्प बिल्कुल प्योर हो, शांतिपूर्वक हो। आप जब कुछ कह रहे हो तो औरों को शांति महसूस हो, और आप जब कोई कर्म कर रहे हो तो उसमें, जैसे कभी कभी दिखते ना कि आप कोई कर्म कर रहा हो तो बिल्कुल चिढ़ के होता है, गुस्से से जाते हुए कर रहा होता है कर्म, दिखाने के लिए कि देखो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए था, या रेज दिखा रहा हो, बहुत ही अभिमान दिखा रहा हो, तो वो शांति नहीं हुई, उससे हम और अशांति फैलाते हैं। तो बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। इसका मतलब हम अपने सोच, बोल और कर्मों से भी और को शांति दे सकते हैं, और परमात्मा हमसे ये चाहते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए हमारा कनेक्शन जो है परमात्मा से, शांति के सागर से है, और अपने आप को एक मंत्र पढ़ाना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं किसी भी सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी, और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। जो आपकी शांति की शक्ति है उससे आप इतने आकर्षण मूर्त हो जाएंगे कि लोग आपसे शांति के लिए आपके पास आएंगे, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉसिबल कब होगा? जब हम स्वयं ही शांति के स्वरूप में टिके रहेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे। ये आप भी कर सकते हैं, इसके लिए साइलेंस में जाना बहुत जरूरी है। यह आंतरिक साइलेंस जो कि हमें परमपिता परमात्मा के ज्ञान से मिलता है, और उनकी पहचान से और स्व की पहचान से मिलता है कि हम हैं कौन और वो हैं कौन, रहते कहाँ हैं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं और अलाइन करते हैं अपने संकल्पों को उस जगह से, तो ऑटोमेटिक शांति की शक्ति, और आप उस शांति की शक्ति को चारों तरफ, जैसे परमात्मा ने कहा, तीरों के जैसे भेज सकते हो, और को चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई स्थान हो, आप हर जगह इन तरंगों को भेज सकते हैं। ट्राई करिए आप आकर भी, ब्रह्म कुमारी सेंटर पे आइए, सीखिए इस विधि को। पहले खुद शांत हो जाएं, पहले खुद के अंदर संपूर्ण साइलेंस हो जाए, उसके बाद में आप ये सेवा करें। ओम शांति इसके साथ।